मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन. सो टुडे, गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो टुडे, आज की डेट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निपटाने जा रहे हैं फिर से एज पर स्केड्यूल. दैट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन द चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन. क्विकली लॉ और उसके ऑफशूट्स के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग. अगेन, दिस राउल्ट्स लॉ लेक्चर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, बेसिक फॉर्मूले एंड ऑल. और जो इसका पार्ट टू देखने जाएंगे आप, पार्ट टू में एज यूजुअल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक राउल्ट्स लॉ राइट अवे नाउ. सो राउल्ट्स लॉ को जानने के लिए हम एक आज छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. सो लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट वी डू इज आई वी टेक अ कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं हम लोग, और इसमें दिस इज कैरिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. क्विकली शो दिस इन योर नोटबुक. सो दिस इज अ सो कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. दो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, ए और बी. ए का आपने एक मोल लिया है बेटा, और बी का लिया है थ्री मोल्स. एंड इफ आई वुड आस्क यू कि ए और बी के एक और तीन मोल हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? सो यू विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, विच इज़ 1/4, विच इज़ प्रिसाइजली 0.25. सिमिलरली हम इसी तरीके से बी का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज सेटअप वन. अब यहाँ से ए कुछ वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है. सो अगर आपने ए का वेपर प्रेशर भी रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन सेक, लेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए रिकॉर्डेड इज ए, ए एनी यूनिट टॉर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो काइंडली शो दिस इन अ नोटबुक. नाउ मूव ऑन इमीडिएटली, फटाफट मूव कर जाए हम लोग पार्ट टू ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन के लिए. सो द पार्ट टू ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन इज वी टेक अ सिमिलर सॉल्यूशन. सिमिलर मींस सिमिलर बाइनरी सॉल्यूशन. ए और बी दो कंपोनेंट फिर से हैं यहाँ पे. इस बार आपने चेंज क्या किया है, ए का आपने बढ़ा के दो मोल कर दिया और बी का तीन मोल ही रखा है. इफ आई मे आस्क यू, इस बार ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सो ए का मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे आप? व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए? सो दैट इज अ सिंपल टेक अवे. 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ मोल. सो दिस इज इक्वल टू 0.4 प्रिसाइजली. सो आपको एक बात स्पष्ट दिख रही है कि जब हम यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कॉन्स्टेंट प्रेजेंटली इन द प्रेजेंट केस. सो ए का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है. एंड लेट दिस टाइम द वेपर प्रेशर फॉर ए रिकॉर्डेड इज फाउंड टू बी अगेन पी ए. विल दिस बी इक्वल टू ए और मोर देन ए? सो द कॉमन सेंस रिस्पॉन्स इज कि जब आप ए का कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देंगे तो उसके वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए विल बी एस्केपिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन. तो वेपर प्रेशर ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, वो करेस्पॉन्डिंगली ड्यूली बढ़ जाएगा. सो कैन वी से कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो ए के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जैसे ही आपने ए की क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया. सो कैन वी से इन सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंटली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन काई ए. कैन वी से समथिंग लाइक दिस? वी डू से समथिंग लाइक दिस. काइंडली राइट इट डाउन. सो हमने ये डिड्यूस किया खुद से कि जब किसी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एस्केपिंग आउट इन द वेपर फेज इंक्रीजेस करेस्पॉन्डिंगली. सो वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इंक्रीजेस. सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. एंड दिस इज व्हाट इज प्रिसाइजली द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ इज. सो आप लिखेंगे क्विकली कहीं पे, हमने राउल्ट्स लॉ खुद से क्लास के अंदर ही डिड्यूस कर लिया.
राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंटली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा? राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. सो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी जाए सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस देर वुड बी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन टू काई. ये दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर पी ए नॉट जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका फिजिकल मीनिंग होता है इट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट वेन नथिंग एल्स इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. सो क्विकली राइट दिस, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए वेन नो अदर कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. क्विकली नोट दिस डाउन. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मैट ऑफ, बेसिक फॉर्मैट ऑफ वर्ड, दिस इज बेसिक फॉर्मैट ऑफ राउल्ट्स लॉ. क्विकली लिख लेंगे इस बात को, फटाफट फास्ट लिखेंगे सारे बच्चे. सो वी हैव काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड राउल्ट्स लॉ. अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस में राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे हम लोग. एक दो केसेस जो बिल्कुल बेसिक से हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी यहां पे. सो क्विकली सी दैट. सो केस वन विल बी, केस वन विल बी राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. बोर्ड सीम्स टू बी स्लाइटली अनस्टेबल सो आई हैव टू कैच गेट होल्ड ऑफ द बोर्ड. सो क्विकली लिखिए इस बात को. एवरीथिंग इज अनस्टेबल इन लाइफ, इवन द बोर्ड इज अनस्टेबल सीम्स टू बी. सो नाउ राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. काइंडली चेंज द टॉपिक हेड. दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिया आपने, दो वोलेटाइल लिक्विड का एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर ले लिया हो. तो दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिया और उस केस में राउल्ट्स लॉ का फॉर्मेट क्या हो जाएगा ये देखेंगे. सो इन दैट केस वेपर प्रेशर टोटल और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू इफ द टू कंपोनेंट्स, टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सो वेपर प्रेशर टोटल और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज पी ए प्लस पी बी. क्विकली नोट इट डाउन. दस सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. काइंडली नोट इट डाउन. दिस इज राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स. Can we proceed ahead? B normally represents solute in standard textbook and A notates a solvent. So please keep this fact in your mind. As per suggestion from standard textbook, write it. So now we move ahead. We can say P total or P solution is equal to chi A P A naught courtesy राउल्ट्स लॉ प्लस काई बी पी बी नॉट. क्विकली नोट इट डाउन. काई ए पी ए नॉट, काई बी पी बी नॉट. वॉट एल्स कैन आई डेवलप दिस फर्दर? काई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. सो काई ए कैन बी री रिटन एज वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी पी ए नॉट प्लस काई बी PB not. Quickly show this. Show this in a notebook. So total vapor pressure of sum or sum of these two vapor pressures give rise to the vapor pressure of solution. So vapor pressure of solution, and this is mathematically developed. What else can you suggest me here? If I take away PA not, कैन वी राइट इट लाइक दिस? काई बी आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, एंड कैन वी राइट इट लाइक दिस? पी टोटल और पी सॉल्यूशन.
quickly check this equation. So quickly check this equation. This seems to be perfectly all right. So this is the mathematical version of Raoult's law. When we are talking about a solution comprised of two volatile liquid components A and B, and this is the eventual format. अगर मैं आपसे इसके अप्लाइड सेगमेंट की थोड़ा सा अप्लाइड नॉलेज की बात करूंगा आपसे, अगर मैं आपके इसके अप्लाइड सेगमेंट की बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं P टोटल या P सॉल्यूशन वर्सेस काई बी, इन दोनों के बीच कर्व का नेचर क्या होगा, किन दो चीज़ों के बीच में कर्व पूछ रहा है टीचर यहाँ पे? द टीचर इज आस्किंग P टोटल और P सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बीच का ग्राफिकल इंटर रिलेशन क्या होगा, ये आपको सोच के बताना है। दो आई डू नॉट थिंक इट्स अ बिग डील, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू c प्लस mx के फॉर्मेट का इक्वेशन है। सो ये अगर इंटरसेप्ट है और स्लोप अगर इसके बराबर है, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन with a positive slope like this, show it in your notebook. So this is simple, this is an ordinary work. और इसका intercept कितना हो जाएगा y axis पे, ये हो जाएगा pa naught के बराबर, this is equal to pa naught, and ये जो इसका slope है, slope will be equal to what, slope will be equal to pb naught minus pa naught, quickly note it down. So this is complete description of Raoult's law in case of two volatile liquids A and B. Quickly show this in your notebook. P total is equal to P naught plus chi B P B naught minus P naught. This is graphical interrelation. So अगर आपने इसको note down कर लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मेरा मानना है आप इन सारी बातों को सीख रहे हैं quickly. इस lecture को एक दो बार आप तीन चार बार रिवाइंड करके देखेंगे। आई होप यू गेट द परफेक्ट आइडिया अबाउट Raoult's law, द बेसिक फॉर्मेट, द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ Raoult's law. सो इमीडिएटली मूव ऑन, केस टू विल बी व्हाट, केस टू विल बी Raoult's law इन केस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट I said non-volatile solutes. When a non-volatile solutes like urea is added to a volatile solvent. So now we have changed the combination. इस बार हमने एक ऐसा solution लिया है, we have taken such a solution जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला है। मेरा मानना है यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसको पानी के अंदर डाल दिया आपने। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वैसा कंपाउंड जिसको आप वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, विच के नॉट बी वेपराइज्ड ऑफ। सो वन सच एग्जांपल इज यूरिया। सो अब आगे प्रोसीड करेंगे। सो इन दिस केस व्हेन यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, सो पी सॉल्यूशन और पी टोटल विल बी इक्वल टू P solute as usual, there are two components plus P solvent, जो normally होता है, which I have written as PB plus PA, this is PB and this is PA, and because the solute is non-volatile, its vapor pressure is zero, so इसका vapor pressure आप यहाँ से हटा देंगे, so now the equation changes the format, it becomes P solution is equal to what? This becomes equal to P solvent, which is chi solvent multiplied by P naught solvent. Quickly show this in your notebook. This is it, chi solvent into P naught solvent.
Now, immediately this becomes equal to 1 minus chi solute into P naught solvent. P naught solvent लिखेंगे ऐसा. आपको पता है sum of mole fractions is always equal to 1. So, अगर chi solvent है तो इसको 1 minus chi solute बोल सकते हैं, because chi solvent plus chi solute has to be equal to 1. मैंने normal ordinary बात किया, I hope everybody understands this. So now what is, may I, क्या मैं लिख सकता हूँ, P solution upon P naught solvent is equal to mole fraction of solute. Couple of steps done together. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ. So chi solute becomes equal to what? This becomes equal to P naught solvent minus P solution upon P naught solvent. So kindly note it down. This is same Raoult's law. In case of a solution which is comprised of a non-volatile solute in a volatile solvent, loud and clear. अब एक छोटा सा स्टेप मैं यहाँ और लूँगा आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे. तो आपने अभी प्रूव किया P naught solvent minus P solution upon P naught solvent is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. This is mole fraction of solute. This is elaborated now. So can I rewrite this as, can I rewrite this as this? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, if I invert this, P naught solvent upon P naught solvent minus P solution is equal to n plus n divided by small n. चेक करेंगे इसको आप, this will be equal to 1 plus n by n. P naught solvent minus P solution minus 1 is equal to n upon n. So this becomes P naught solvent, ये ऊपर चला आएगा यहाँ से. So this virtually becomes P solution. ध्यान से देखेंगे इसको आप, P solution upon P naught solvent minus P solution is equal to n upon n. So may I re-invert P naught solvent minus P solution upon P naught solvent is equal to n upon n. So the same equation can be rewritten as this with couple of mathematical steps taken here and there. Quickly show this. So these two are the versions of Raoult's law in case of a solution which is comprised of urea in water or non-volatile solute in a volatile solvent. Can you give me 3-4 more examples of non-volatile solute? ये question मैंने आपके लिए throw किया है class में. Please answer this in comment box, or you may write or mail me or insta me or whatsapp me, whichever way is comfortable to you, and kindly send it to me. So we are almost at the verge of completion of this topic, Raoult's law. So ये आपने Raoult's law case 2 के बारे में बातचीत की, जबकि आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया था. अब क्विकली एक लास्ट हिस्सा इसका, इसको निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग. लेट्स, कोशिश नहीं करेंगे, ख़त्म करेंगे आज, सो दैट कि फिर इसके अप्लाइड सेक्शन के बारे में अगले लेक्चर में बातचीत कर सकें. सो नेक्स्ट पार्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन वेपर स्टेट ये निकालना सीखेंगे हम लोग. ये इसका लास्ट हिस्सा है इस लेक्चर का, आज फटाफट पास निपटा लेंगे इसको. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास फिर से एक बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी. इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा कुछ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा यहाँ पे कुछ, और अगर ये लिक्विड्स वेपोराइज होके जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ कुछ वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा. इस वेपर स्टेट में भी
ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, जिसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में वाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, करते हैं रादर, हम लोग वो निकालना सीखेंगे यहाँ पे. सो क्विकली शो दिस सिचुएशन, वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन वेपर स्टेट, जबकि आपको पता है कि उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में क्या है, वो है एक्स ए है या काई ए है, और आप वाई ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो क्विक, फटाफट, फास्ट, मेरा मानना है आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंटली ए, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल इसके बराबर होना चाहिए. ये मोल फ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन है. नाउ सिंस वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी कैन अप्लाई दिस फॉर वेपर फेज. सो कैन वी से प्रेशर इज समथिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्या हम प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं? मेरा मानना है पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बोलते हैं. सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो कैन वी से दिस बिकम्स इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल, क्या पी ए अपॉन पी टोटल के बराबर हो जाएगा? क्विकली शो दिस, क्विकली, फास्ट. अब आप ये बताइए पी ए क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज पी ए? पी ए इज काई ए पी ए नॉट, एंड व्हाट इज पी टोटल? काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर स्टेट. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, और वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी टॉम डिक हैरी कंपोनेंट इन वेपर फेज. क्विकली नोट इट डाउन एंड क्विकली रिवाइज. सो आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ राउल्ट्स लॉ को इस क्लास में टच करने की कोशिश की है, रादर उनको एक्सप्लेन किया आपके साथ. आई हैव डिराइव्ड कपल ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन एज वेल. आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड वी कैन ऑलवेज कनेक्ट, एंड वी कैन ऑलवेज रीकनेक्ट थ्रू पार्ट टू ऑफ दिस लेक्चर. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. गॉड ब्लेस. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट.